के नेतृत्व में मैंने ये चीज़ का फैसला लिया। मेरे गुरुजी भी है, मेरे बड़े भाई है, IPRS में सर का एक बहुत बड़ा ओहदा है, जहाँ पे ये कंटेंट से लेकर आर्टिस्ट मैनेजमेंट, कॉपीराइट से लेकर सारी नीच चीज़ों को मैनेज कर रहे। मेरे साथ है ज़ीशान खान साहब, बहुत ही उम्दा कलाकार है, इज़ वन ऑफ द फेमस सिंगर्स, वेरी फेमस कंपोजर। देन आई हैव तनवीर गाजी साहब, जिन्होंने पिंक अक्टूबर, हेट स्टोरी 2 में अपने कमाल के लिरिक्स लिख के पब्लिक को हिला दिया एकदम। एंड देन वी हैव सत्ता जहाज साहब, इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कमाल के लेखक है, स्टोरी टेलर है, स्टोरी राइटर है। और इनके अलावा हमारे साथ बाकी कलाकार भी मौजूद है, लवी शाह है यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग करने के लिए आई है, तेजस्वी मैम है जो भी पोइट्री करने के लिए आई है, एंड देन वी हैड ईशान ऑन, तो ये सब परफॉर्म करके भी चले गए। तो बेसिकली वी हैव राइटर्स, वी हैव स्टोरी टेलर्स, वी हैव सिंगर्स। शो टाइम का नाम ही अपने आप में ये कि दिस इज़ अ प्लेस फॉर एन आर्टिस्ट, कि आप यहाँ आए, परफॉर्म करें, यहाँ से कुछ सीख के भी जाए, कुछ सिखा के भी जाए। और वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ टैलेंट रिसोर्सिंग कंपनी। हमारा मोटिव यही है कि एज एन आर्टिस्ट हम अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें, तो यही सोच लेकर मंदार सर के साथ मैंने इसको आगे अंजाम दिया, एंड दिस इज लाइक टुडे वी आर स्टार्टिंग इट। ओके, मंदार सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शो टाइम के बारे में बताइए, और जो आज जो आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करके गए हैं, क्या कितना फायदा होता है जो नए आर्टिस्ट भी हैं उनके लिए स्पेशली? एक्चुअली ये कम्युनिटी बिल्डिंग की एक एक्सरसाइज है। हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक बनने के बाद ये ऐसा लगता है कि यही सही है, और एक है जो हमें लगता है कि सही है, और एक है जो हम जो वाकई में सही है। तो इस दोनों के बीच में एक ये कुछ एक कम्युनिटी फंसी हुई है आर्टिस्ट की, कि हम लोग मुंबई के हिसाब से काम करें या कलाकार के हिसाब से काम करें। और एक मोटिव यह है इस पूरी इनिशिएटिव के पीछे कि ये आपका वर्ल्ड है, ये आपकी स्टोरी है जो शो टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देगी, एंड शो टाइम का मूल उद्देश्य यही है कि इसमें संगीत की तरह बात हो, एंड ना कि सिर्फ पॉपुलर संगीत या फोक संगीत या पोएट्री या ऐसे बांधना नहीं चाहिए इस आर्ट फॉर्म को, क्योंकि ये एक बहुत सरल एक्सपीरियंस है। और जिस तरीके से दुनिया जा रही है, यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम ये सारे जो जिनको बोलते हैं ना प्योर फाइन आर्ट फॉर्म्स, उनको शो टाइम के जरिए एक स्टेज पे लाए, उनको एक स्टेज मिले, और हर किसी आर्टिस्ट को अपनी एक्सप्रेशन रखने के लिए एक जगह मिले। सो ये ओवरऑल मोटिव है इस विजन के पीछे, एंड मैं बहुत ही मतलब प्राउड महसूस कर रहा हूँ आज, बिकॉज एक तो इतने बड़े शायर, इतने बड़े कवि, इनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, इनको सुनने का मौका मिल रहा है, और ऐसे बहुत कम वेन्यूज बचे हैं जहाँ एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो बी एट स्टोरी टेलिंग, बी एट पोएट्री, बी एट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, बी एट वॉट एवर म्यूजिक विच यू रेजोनेट विथ, दिस इज द स्टेज विच अशर अनीस खान इज ऑफरिंग यू विथ हिज फैमिली, एंड आई हैव 100% ब्लेसिंग्स फॉर हिम ऑन अ पर्सनल लेवल। एट द सेम टाइम I am also associated with IPRS and making people aware about copyrights, music, and basically respecting copyright in a way where you get freedom to do the kind of art which you want to do. So I think वहाँ ये यहाँ कहीं तो ये point, I think mid point है कि जो इन दोनों में common है, show time भी शायद यही करना चाहता है, और हमारी पूरी blessings उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बेस्ट विशेस होंगी शो टाइम के लिए, और कितना इंपॉर्टेंट है जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो नए आर्टिस्ट है, उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा या कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? मुझे लगता है कि एक बॉम्बे जैसे शहर में एक काफ़ी लोग एज अ बिजनेस की तरह देखते हैं इस मॉडल को, मेकिंग अ रूम एंड रनिंग अ रूम, बट आई थिंक सो बिकॉज अशर इज हिमसेल्फ इज एन आर्टिस्ट, ही अंडरस्टैंड्स द नुआंसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, what an artist feels like and what is an art form, तो वो एक बहुत खूबसूरत उसका बोलते ना एक शेप में आता है वो, कि उनको खुद को समझता है कि म्यूज़िक क्या है, फिर उसके बाद में वो अपने आर्टिस्ट किस तरीके आर्ट फॉर्म यहाँ पर आ सकता है। जैसे मंदार भाई कह रहे थे कि फोक म्यूज़िक हो गया, या फिर हम वो आर्टिस्ट जो आर्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपने फैसले नहीं बदलना पड़ेंगे क्योंकि किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है।
उस हिसाब से मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया एक जगह बना ली है, जहाँ पर आके जो भी सारे नए आर्टिस्ट हैं और पुराने आर्टिस्ट हैं, जिस तरीके से सारे सिंगर्स जो हैं वो अपना खुद का लेबल खोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना खुद का म्यूज़िक करना है, उसी तरीके से जिन लोगों को अपना रियाज करना है, अपने आप को पॉलिश करना है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। सर आप क्या कहना चाहेंगे शो टाइम के बारे में? और किसी का शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो शो हाय टाइम एक जगह है जहाँ हर हवा और खुशबू का एक कनेक्शन कायम होता है। हाय क्या बात है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, हम दोनों एक ही शहर से हैं अशर। मैंने इनकी शुरुआत से इनको देख रहा हूँ, इनके अंदर जो जुनून है, जो लगन है, तो मैं बहुत इनकी कद्र इसलिए करता हूँ कि ये बड़ी ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं और इनको कला की भी समझ है, अच्छी और बुरी कला की जो होता है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से जो भी मसाला बाहर आएगा वो अच्छा आएगा। सर योर व्यूज ऑन शो टाइम। मैं जो बात करी जिशान भाई ने उसकी मिसाल एक तरह से मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुंबई जैसे शहर में हम जैसे शायरों को जो मुंबई से ताल्लुक़ नहीं रखते, अपनी बात कहने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा और खूबसूरत जरिया हमें फराहम किया अशर साहब ने। तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जगह हर लिखने वाले के लिए काम आएगी, हर गाने वाले के काम आएगी। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सर आपसे जानना चाहूंगा ये जो इनिशिएटिव है जो जैसे मैंने कहा कि बड़िंग आर्टिस्ट को काम आएगा, लेकिन जो पुराने आर्टिस्ट है उनका और जो बड़िंग आर्टिस्ट है उन दोनों का इंटरेक्शन होगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा उनको जी इस बिल्कुल। चीज़। लाइक जैसा नदा सर ने बोला और सबने बोला कि एक एक्सरसाइज अब हमारी यही है कि कोई बड़िंग आर्टिस्ट आके अपना कोई एक मॉड्यूल पिच कर रहा है, और जिशान भाई का भी आई गेस 27 को एक ऑडियो रिलीज हो रहा है, बड़ा खूबसूरत गाना है। तो ऐसे मोमेंट पे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग लिसनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग जैमिंग सेशंस, वीकली जैमिंग सेशंस इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ पे जीशान भाई जैसे अजीम शख्सियत आके, मंदार सर जैसे आके, क्योंकि मंदार सर परफॉर्मर भी है, सर राइटर भी है, तो दे ऑल कैन कम टुगेदर ऑन अ सेम स्टेज। कोई डिफरेंसिएशन नहीं छोटे बड़े का कि भाई तेरी 50 रुपये की टिकट है, तू वहाँ जाके बैठ गया, एवरीबडी इज सेम। सो आई थिंक वो डिफरेंस मिटाना बहुत ज़रूरी था। और चूंकि जिस तरीके से मेरे मंदार जी मैंने बताया गुरु जी भी है और बड़े भाई भी है, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे ये आइडिया पिच किया था, माई आइडिया वॉज टू स्टार्ट अ जैम रूम एंड अ स्टूडियो, बट जब उन्होंने बोला कि अशर यू हैव बीन अ प्रोड्यूसर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम 7 ईयर्स, तो अभी अपन लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि IPRS में जाने के बाद सर को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें डिसअपॉइंटेड है इंडस्ट्री में, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को और नए आर्टिस्ट को जो जगह नहीं, मकान नहीं मिल पा रहा है, ऊंच नीच जात भाव ये सब आर्टिस्ट लोगों में नहीं चलता है कभी भी। तो जब इन्होंने ये बोला, हमने इनिशिएटिव तुरंत लिया, मैं मेरे वालिद साहब, मेरी माता जी, मेरी वाइफ, मेरी पूरी फैमिली, हम सब ने मिलके बहुत मुश्किलात से कुछ चीज़ें इकट्ठा करी, कोशिश की कि पैसे कभी बाधा ना बने किसी आर्टिस्ट के बीच में। और फिर जब इनॉग्रेशन की बात आई तो मैंने कहा कि हम सिर्फ फीता काट के इसको शुरू नहीं करेंगे, हम एक तरीके से ये डिफरेंस उसी दिन दूर करेंगे कि एक ही स्टेज पे सारे मकाम के आर्टिस्ट बैठे, मेरे साथ बैठे, क्योंकि इन सब में छोटा मैं ही हूँ उस मकाम के मामले में, तो वही मैं दूर किए देता हूँ उस चीज़ को। तो बस यही है शो टाइम, और मैं यही करना चाहूँगा आगे भी आप सबकी विशेषता। एक मकसद जो आप लेकर चल रहे हैं मुझे लगता है बहुत सही और नेक मकसद है। आज इंडस्ट्री में जैसे ने कहा, आपने कहा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता है, ऐसे में शो टाइम किस मकसद के साथ आगे बढ़ेगा और इन आर्टिस्ट के लिए क्या कुछ मदद करेगा उस, या क्या कुछ साथ लेकर चलेगा उन्हें, अगर उस बारे में आप अगर कुछ कह रहे हैं। आई थिंक यू विल बी द परफेक्ट पर्सन टू आंसर। सी मकसद साफ है कि जिस तरीके का भी म्यूजिक चले चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी वन इज गोइंग टू को एग्जिस्ट बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड, तो हर कुछ साथ में रहने ही वाला है, आप उसको मिटा नहीं पाएंगे कभी भी। मकसद यह है कि जिस सेक्शन को ये सारी फैसिलिटीज के लिए बहुत दूर तक या फिर बहुत टाइम तक पैसे जमा कर कर के करना पड़ता है, वो स्टेज हम उनको डे वन में प्रोवाइड करेंगे। ये मेजर पहली तो मोटिव मोटा बड़ा मोटिव यही है कि हर किसी को एक स्टेज मिले, हर किसी को एक ऐसी स्पेस मिले जहाँ, जैसे आशर ने कहा कि
मुझे इस चीज की वरी ना करनी पड़े कि मुझे पूरा वेन्यू बेचना है, मुझे टिकट के लिए पोस्टर्स लगाने हैं, खुद के इंस्टाग्राम पब्लिसिटी पे पैसे डालने हैं। नहीं, ये वेन्यू उनके लिए खड़ा है जिनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि मेरी 8 लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो ये एक बेसिक मकसद रहेगा। दूसरा ये है कि शो टाइम थ्रू हम लोग जितने भी अच्छे पोएट्स, अच्छे स्टोरी टेलर्स, अच्छे ड्रामा मेकर्स, डांसर्स, जो भी अच्छे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेस है। इसको बनाया ही ऐसा गया है, जो डिज़ाइन अगर आप देखोगे पूरी स्पेस का, तो ऐसे ही कि इसको किसी भी चीज़ में बदला जा सकता है। सो इट्स अ मल्टीपर्पज फैसिलिटी विच कैन बी यूज फॉर इंक्लूडिंग, लाइक अभी तो आइडियाज ही आइडियाज आ रहे हैं, जिस दिन से देख रहे हैं तब से लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है। पॉटरी वर्कशॉप भी हो सकता है, डांस वर्कशॉप भी हो सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। सो दूसरा चीज़ ये है कि हमें कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को ना सिर्फ स्टेज देना है बट ऑल्सो ये भी बताना है कि आप और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो और उसमें शायद ये हो सकता है कि हम लोग वर्कशॉप्स करें, जैसे आज मुशायरा हो रहा है, मैंने काफ़ी वक्त से इतनी अच्छी पोएट्री से नहीं सुनी है मुंबई में, तो क्यों ना ऐसी चीज़ें हों जो मुंबई में रेगुलरली नहीं होती है, क्यों ना ऐसी चीज़ों के लिए स्टेज दिया जाए जो लोग शायद सुनना चाहते हैं पर उनको नहीं पता है कहाँ सुनना है। करेक्ट। सो एक ये कोशिश रहेगी, ये तो दूसरा मेजर मोटिव है। तीसरा और बहुत खास बात ये है शो टाइम के बारे में कि इट इज योर लाइफ इज ऑलवेज अ परफॉर्मेंस। सो व्हेन यू आर ऑन स्टेज, व्हेन यू आर देयर, दिस इज द प्लेस वेयर यू डोंट हैव टू हाइड योरसेल्फ। यू विल नॉट बी एबल टू हाइड योरसेल्फ, यू आर ऑलवेज फेसिंग द ऑडियंस। आप हमेशा अपफ्रंट रहेंगे, आपके सामने लोग हैं जिनको छोटी सी छोटी चीज जो लग रही है उनके साथ तुरंत फीडबैक मिलेगा, उनको देख के या फिर उनके साथ बात करके, इंटरेक्ट करके, वॉट एवर। सो ये वर्चुअल दुनिया नहीं है जहाँ पे कुछ लाइक्स चल रहे हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ये एक रियल दुनिया है। यहाँ पे भले 30 लोग हैं बट आपको पता है कि वो आपको सुनने के लिए आए हैं। करेक्ट। सो ये मेजर गोल रहेगा। तो ये मेजर 3 चीजें शो टाइम के बारे में है। आप देख रहे हो इतनी पिच परफेक्ट है। तो मैंने बताया ना कि आई वाज अबाउट टू स्टार्ट अ जैमिंग रूम और ये सब, तो मुझे सर ने बोला कहाँ टाइम खराब कर रहा है सर, यू नो यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग एन आर्टिस्ट, बिकॉज हम सब मैं रहा ही ऐसे लोगों के बीच में हमेशा जहाँ पे मुझे सबसे जुड़ के रहने की आदत है। सब लोगों ने, इन लोगों ने मुझे यही सिखाया है कि जिस कम्युनिटी में आप हो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा ये सब नहीं देखा जाता। वी आर ब्लेस्ड टू बी आर पार्ट ऑफ। राजेशान भाई ने बोला था थोड़ी देर पहले हमारे सेशन में कि हम आर्टिस्ट लोग बहुत अबनॉर्मल होते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ कभी नॉर्मल सी होती ही नहीं है, और वो कला भगवान चूज करके ही देता है। तो आई थिंक सारे पागल लोग एक साथ मिल रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक, और अब जैसे सर ने बताया ना कि देर इज नथिंग लाइक कुछ फैंसी है, देर इज अ सर्टेन रूम फॉर इट, एक पॉजिटिविटी है, स्टेज है, नियत है जी बेसिकली, और सारा ग्रे है। तो ग्रे में काफी कुछ पॉजिटिव है, ग्रे में ना ब्लैक है ना व्हाइट है, ब्लैक है ना व्हाइट। दृष्टांत है, आपसे सवाल ये रहेगा कि अफकोर्स आपके भाई वर्ल्ड फेमस है, आप भी काफी कुछ आपकी प्रतिभा दिखाते नजर आए हैं, लेकिन एक क्या आपको एक प्रेशर रहता है कि बड़े भाई के हिसाब से लोग मुझे जाने, ना कि मतलब उनके हिसाब ना जाने मेरे हिसाब से मुझे जाने, क्या ये अलग से एक प्रेशर रहता है एज यू आर टैलेंटेड आल्सो लाइक जी? तो यार मुझे तो बहुत खुशी होती है लोग मुझे मेरे भाई के नाम से जानते, तो मुझे इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं है और ना मुझे इस बात की कोई गिला है या फिर शिकायत है मुझे इस बात की कि लोग मुझे मेरे भाई के नाम से, बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात को लेके कि वो मुझे मेरे भाई के नाम से जानते हैं। उसके अलावा 2 अलग आर्ट फॉर्म से आते हैं हम लोग, वो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो एक एक्टर हैं, वो एक शायर हैं, और मेरा जो पूरा आर्ट फॉर्म है वो म्यूज़िक की तरफ है, तो कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ वैसा है नहीं। तो वो मैं अपनी सफ़र पे हूँ, वो अपने सफ़र पे, हम भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। कहना चाहेंगे एक बहुत नेक सोच के साथ, एक बड़ी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को ज़्यादा आई थिंक इससे मदद मिलेगी, क्या मुझे सोच के बारे में? जी मुझे लगता है ना एज एन आर्टिस्ट आप बहुत बार स्टेज पे चढ़ते हो और आपको समझ में आने लग जाते हैं लोग कि आप जैसे देखते हो उनको, आपको समझ में आते हैं कि इंसान किस नीयत के साथ में आपसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है जो इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है कि एक तो अशर बहुत मेहनती हैं, दूसरी चीज़ बहुत अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं ये काम, और उसके अलावा हर आर्टिस्ट को बिफोर दे गो एंड
रिलीज देयर फाइनल प्रोडक्ट, बहुत रियाज, बहुत एक जगह चाहिए होती है जहाँ पर वो अपने आर्ट को क्राफ्ट कर पाए, स्पेशली इन स्टैंड अप और पोइट्री और शायरी, आप इस तरीके से बात करेंगे, वहाँ पर बहुत वक्त लगता है उसको रवा करने के लिए, तब जाके वो बाहर आता है। तो मुझे लगता है उससे बेहतर जगह नहीं हो सकता, और मेहनती लोग हैं, और मैं मतलब मेरे बड़े भाइयों के बीच में बैठा हूँ, मुझे तो लगता है जिस जगह पर इस ऐसे लोग बैठे हैं उस जगह का बेहतर ही होना है हमेशा। सर आपसे जानना ये चाहेंगे कि आजकल जो युवा है जो फेमस हो गए हैं बट उनका टैलेंट नहीं है, जो टैलेंट है वो फेमस होने के लिए उन्हें वक्त लगता है, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये सब ये शो टाइम उसकी उसी मदद उसी करेंगे? मकसद के तहत शो टाइम का आगाज हुआ है। और क्या होता है, कोई कला होती है, जैसे एक ऑयल है, बहुत प्योर ऑयल कोई बना रहा है अपने, लेकिन वो अगर बाजार में बेचने बैठे तो नहीं बिकेगा, लेकिन अगर उसको पैराशूट का एक नाम दे दिया जाए तो बहुत इजीली बिक जाएगा। तो ये वही पैराशूट एक ब्रांड बनाएंगे, एक आम चीज़ को खास चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह शो टाइम पे। क्या बात है सर, आखिर में सर आपने भी जस्ट उमदा कुछ लाइंस कही थी, भाईजान के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से आगे सपोर्ट में इनके रहेंगे आप? मैं तो हमेशा उनके सपोर्ट में हूँ, हमेशा उनके लिए खड़े हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं, तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं, हम यहाँ तेरे ही सम्मान में खड़े हुए हैं, जो हमेशा इनके साथ हैं। और एक एक एम एफ हुसैन साहब की एक पेंटिंग थी, वो 1 करोड़ रुपए में बिकी थी, तो उनसे किसी ने पूछा कि साहब ये आपकी जो 1 करोड़ में पेंटिंग बिकी आपने कितने वक्त में बनाई, तो उन्होंने कहा ये मैंने 10 मिनट में बनाई थी, लेकिन इसको सोचने में 40 साल लगे। तो अशर ने जो काम किया है वो हो सकता है 1-2 4 महीने में शुरू हो गया, लेकिन इसको सोचने में एक लंबा वक्त लगा है। तो मुझे लगता है कि इसका इसके रिजल्ट जो है वो भी बहुत लंबे वक्त तक देखे जाएंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं उनको। अशर जी, फाइनली फैमिली सपोर्ट किस तरह से रहा, आपकी वाइफ काफी आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट में है और फैमिली भी आपको सपोर्ट में रहेगी, किस तरह से उनका सपोर्ट आपके साथ रहा, अगर उस बारे में कुछ कहें? सर मैं मतलब आई एम हियर सिंस 2012 और सपोर्ट ही सपोर्ट है। मैं क्या बोलूँ अभी, मतलब मेरे अलावा मेरे मेरी फैमिली के बारे में मंदार सर, सतलज भाईजान, तनवीर मामू, जीशान भाई, सब लोग, तो सब तारिक भाईजान का मैं नाम लेना भूल जा रहा हूँ, मुझे बड़ा मारेंगे वो, बड़े कतराते हैं मीडिया के सामने आने से। तो फैमिली फैमिली है तो हम लोग हैं सर, अदरवाइज जैसा मैंने बोला हम आर्टिस्ट हैं, नौसिखी है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी ड्रीम करते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के साथ में कि हमें सबको कोई चाहिए जो भरोसा दिखा दे हम पे, है ना, कि वो कहते कि यार तू कर लेगा, तू कर ले, राइट। तो आई थिंक सो दैट्स द पार्ट अशर फैमिली हैज प्लेड दैट, कि उन्होंने बोला हाँ तेरे में है, तू कर ले भाई। तो आई थिंक दैट गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड करेज टू गो एंड। एक चीज जो सतलज भाई ने बोले बहुत सही है, बोली कि एक चीज है कि जो पेंटिंग तो 10 मिनट में बनी है बट 40 साल सोचने में लग गए। ये इस कंट्री में एक्चुअली हुआ है, यूएस में बस्किंग कल्चर काफी टाइम से है, करेक्ट, और हम लोग अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि बस्किंग किया कैसे जाए। तो आई थिंक शो टाइम ये एक शुरुआत है, इससे और वेन्यूज एग्जाम्पल्स ले कि बस्किंग पॉसिबल है, एक बहुत ही प्रॉपर वे में पॉसिबल है, एंड ये कल्चर आना चाहिए और आर्ट आर्ट फॉर्म्स में प्रमोशन के लिए नए नए आर्टिस्ट को एक बेसिक स्टेज, जो बोलते हैं ना कि आज मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ और बस 10 लोग मिल जाए तो मैं कुछ कर लूँ, वो जो एक जुनून है इस जनरेशन में, जो ये थोड़ी सी अगर उसको हवा मिली मिल जाए, जो सिर्फ वो एक छोटी सी 2x2 के स्क्रीन में लिमिटेड ना हो, यहाँ ये वो शुरुआत, एंड मुझे लगता है कि यहाँ से ये काफी बड़ा लीप हो सकता है इंडियन बस्किंग सीन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।